नमस्कार एम बी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी ऐसे टिप्स लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं और आपकी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा जुड़े होते हैं तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में देखते है क्या है खास आज की वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो है पी की जी हाँ दोस्तों पी एक हार्मोन ऐसी जुड़ी एक समस्या है इंसुलिन प्रतिरोध या एंट्रोक्राइम प्रणाली के ठीक से काम न करने के अलावा ठीक से जीवन शैली भी पी का एक मुख्य कारण है इसके अलावा कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों की वजह से भी आपको पी हो सकता है इसके कुछ अनेक लक्षण है जैसे कि आपका वजन बढ़ना और कोई भी उपाय करने पर आपका वजन कम ना होना चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि पी से लड़ने के लिए आपको क्या क्या खाद्य पदार्थ खाने चाहिए दोस्तों आपको ये समझना चाहिए कि यदि आपका वजन पी के कारण बड़ा है तो यह वज़न कम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम होता है क्योंकि यह इंसुलिन के अधिक स्तर से होता है जिसके कारण शरीर में फैट जमा होने लगता है फिर हम पी को कैसे रोक सकते हैं जी दोस्तों अगर इस समस्या का इलाज हमें पता चल जाए तो इससे अच्छा इलाज कोई हो ही नहीं सकता जी हाँ दोस्तों अगर लड़कियों का इलाज समय ऐसी नहीं कराया गया तो उनको इस सम समस्या के साथ कई बीमारी हो सकती है जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हाई प्रोटेन्सी डाइप टू डाइबिटीज जैसी समस्याएं हो सकती है यहाँ कुछ खाद्य पदार्थ की सूची दी गई है जिनके कारण पी हो सकता है जी हाँ दोस्तों जैसे कि सबसे पहले मैं आपको कैफीन के बारे में बताती हूँ कॉफ़ी में उपस्थित कैफिन एस्ट्रोजन के स्तर को बढ़ाता है जो मासिक धर्म के साथ महिलाओं में प्रजन क्षमता को भी प्रभावित करता है अतः अधिक मात्रा में काफी का सेवन करने से पीसीओ की संभावना बढ़ जाती है जी हाँ दोस्तों बिस्किट व्हाइट ब्रेड केक चावल यहाँ तक कि अब आइसक्रीम में भी सूच बहुत अधिक मात्रा में होता है इस प्रकार के खाद्य पदार्थ जिनमें सरल कार्बोहाइड्रेट और शुगर होती है इंसुलिन के स्तर को बढ़ाते हैं इससे पी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जी हाँ दोस्तों एल्कोहल भी बहुत ज्यादा हानिकारक होता है एल्कोहल में अधिक मात्रा का सेवन करने ऐसी से हार्मोन का अन हो जाता है जिससे शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है इसके कारण पीसीओएस हो सकता है जी हाँ दोस्तों खाद्य पदार्थ यानी कि दूध और दही का ज्यादा से ज्यादा सेवन करने से आपको बहुत ज्यादा हानि होती है दूध तथा दूध से बने हुए पदार्थ अधिक सेवन करने से टेस्ट्रोन का स्तर बढ़ जाता है क्योंकि इस पदार्थों में बहुत ज्यादा फैट मात्रा में पाया जाता है यही कारण है कि इन पदार्थों का सेवन करने से पी का खतरा बढ़ जाता है सफ़ेद चीनी सफेद चीनी को अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है जिससे पीसी का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है रेड मीट यानी कि मटन में बहुत ज्यादा सेचुरेटेड फैट होता है इसमें एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है जिससे वजन बढ़ने में पीसी का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हाइड्रो युक्त पदार्थ यानी की तले हुए और जो हाइड्रोयुक्त पदार्थ होते हैं उनमें फैट बहुत ज्यादा होता है इससे महिलाओं में पी होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जाना आपने पी के बारे में आप आयुर्वेदिक के अंदर बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ है जिनका प्रयोग आप न कर पी सी बच सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए आप डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए